Good morning, dear students. Welcome back. Today we are going to discuss about our topic, law of exponents. Okay, यानी आज हम आप सबको law of exponents exercise, मतलब जो topic दिया गया है इससे related आज हम exercise कराएंगे, यानी कि कुछ questions मैं आपके भी discuss करूंगा. Okay, चलिए यहाँ पे आपको दिया गया simplify. ठीक है, आपको इस question को क्या करना है, simplify करना है. Okay बेटा, चलिए ध्यान दीजिए. अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है. ठीक है, तो आज आप ठीक है क्वेश्चन करिए. ओके, चलिए ध्यान दीजिए. आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, बेस क्या है 3 है, उसकी पावर दी गई और होल पावर 3 दी गई. तो यहाँ क्या कहेंगे, बेस वैसे ही नोट डाउन कर देंगे. ठीक है, होल पावर लिख देंगे 2 × 3. ओके बेटा, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना, ए दी पावर एन दी होल पावर एन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता था, ए दी पावर एन इंटू एन. या फिर यहां भी ब्रैकेट लगाना चाहिए तो ब्रैकेट लगा सकते हैं. एस यू वी, सभी को समझ में आ रहा है ये? तो ये इसलिए मैंने मतलब ए दी पावर एन दी होल पावर एन इक्वल टू होता है ए दी पावर एन इंटू एन. तो हमने इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ओके बेटा, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग. ओके, आप लोग ध्यान दीजिए. चलिए ये आपको समझ में आ गया. ठीक, अब इसको हमने जो किया है ये 2/3 दी होल पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसको हम डायरेक्ट 1 लिख सकते. कैसे, आपने अभी पढ़ा था a/b दी होल पावर 0 वैल्यू इज 1. इस समझ में आया, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया. ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्लस दिया गया 3 होल पावर 5 दिया गया × 1/3 होल पावर 40. बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 होल पावर 4/3 होल पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना. तो अब यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, पावर का मल्टीपल हो गई, यानी कि 3 होल पावर 6. ओके, +1. ओके, +3 होल पावर 5 इंटू बेटा इसकी पावर खोलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 के ऊपर चाहे जितनी भी पावर लगी हो उसकी वैल्यू 1 होती है ऑलवेज. क्यों? क्योंकि 1 × 1 × 1 × 1, यानी ये 1 होल पावर 4 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बेटा 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 1 1, यानी कि इस 1 का कितने भी टाइम मल्टीप्लीकेशन करें उसकी वैल्यू यानी हमेशा हमें 1 ही मिलती है. तो हम इसको 1/3 होल पावर 4 लिख सकते हैं, हम इसको नहीं चेंज करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें बगल में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. ये क्या है, 3 होल पावर 4 है और यहाँ पे 3 होल पावर 5 है, तो यहाँ पे पावर कैंसिल हो गई. ठीक है, तो यहाँ पावर 1 बची. ठीक है, तो आपको ये जो 3 होल पावर 6 दिया गया इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए. इसको आप 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3. ओके, इंटू 3 यानी कि 6 टाइम्स लिखेंगे. कितने टाइम्स बेटा लिखेंगे, 6 टाइम्स लिखेंगे. सभी को समझ में आ रहा है, कितने टाइम लिखा जाएगा, 6 टाइम लिखा जाएगा. 3, 4, 2, 6. ओके बेटा, अब यहां पे इसकी वैल्यू 3 × 9 9 × 27 9 × 27 कितना होता बेटा, 27. वेरी गुड. और 27 × 3 कहेंगे कितना होगा बेटा, कितना होगा, 27 × 3 किया जाएगा 81. कितना आया, 81. तो ऐसे लिख दीजिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू लगा ना, क्या आएगा 9. अब 9 का मल्टीपल कर दीजिए 7 × 9, कितना आ गया 7 × 9. तो आपने इसकी वैल्यू लिख दी 7 × 9 +1 + 3. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 बचे थे, किस एनी नंबर होल पावर 1, तो यानी उसका मतलब वो नंबर स्वयं होता है यानी सेल्फ होता है. तो आप 3 को ऐसे लिख, इस कैंसिल हो गया, 1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 आ गया. ठीक, तो अब क्या कहेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे बेटा, ये कितना हुआ 730 + 3, तो 733. This is your answer.
उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को मैं सेकंड टाइम समझाऊंगा, हो सकता है मैं वीडियो फिर पुनः आपको बना के दूं, ओके बेटा। इसलिए ध्यान से आप लोग समझते रहिए, ठीक है, ओके बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, बोला गया इफ, ठीक है, 27 होल पावर y इक्वल टू 9 अपॉन 3 दी होल पावर y, फाइंड y, यानी कि यहाँ पे आपको y को फाइंड करना है। क्या करना है, y को आपको फाइंड करना है। तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 27 दी होल पावर y, ओके, इक्वल टू 9 अपॉन 3 दी पावर y, इतना सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम यहां से ये कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हम 27 दी होल पावर y इंटू 3 दी होल पावर y इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है बेटा, लिखा जा सकता है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पावर सेम है ना, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, 27 इंटू 3 दी होल पावर y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, ओके, 31 दी होल पावर y, ओके। चलिए यहां पे क्वेश्चन है, आप लोग इधर देखिए, ओके, दी होल पावर y लिख सकते हैं इक्वल टू 9, बेटा ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिखा जा सकता है ना, हाँ वेरी गुड। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, मुझे तो मालूम है ये लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, 3 × 27 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, पावर y दिया है उसको y कर लिया। अब यहाँ पे मेन गेम स्टार्ट होता है बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ कितना है, 9 है ना, यहाँ 81 है, देखो बेटा इस 81 को, ठीक है, इस 81 और ये y, ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 81 है, ये y है और यहाँ 9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, बेटा हम यहाँ ये करेंगे, ये जो बेस दिया गया 81 और जो ये यहाँ पे 9 दिया गया, इन दोनों को हम बेस क्या करेंगे, सेम करेंगे। जब बेस सेम करेंगे तो पावर ऑलरेडी सेम हो जाती है, इक्वल टू के होता है। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 दी होल पावर 2 दी होल पावर y लिख सकते हैं और इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, ये ध्यान दें, लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 और ये दोनों क्या सेम है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 होल पावर 2y इक्वल टू 9, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक। 9 दी पावर 2y इक्वल टू 9 दी पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ वेरी गुड, हाँ लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू लगा के 9 की होल पावर 1 लिख दिया। अब देखो बेस सेम है, पावर ये सेम हो जाएंगे, तो अब यहां ये कर सकते 2y इक्वल टू 1 और हमें y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी बेटा, हमें यहां क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, यहां देखिए अब यहां पे हम ऐसे लिखेंगे 2y इक्वल टू 1, ओके, और y की वैल्यू निकाल लेते, देखिए यहां 2 के मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज योर आंसर। सभी स्टूडेंट को अच्छे से तरीके से समझ में आ गया आएगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कीजिए, समझिए, ओके बेटा, सॉल्व कीजिए और समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप